हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी विक्रम कुमार फ्रॉम शाइन हायर सेकेंडरी स्कूल कासिमाबाद हैदराबाद। तो जी बच्चों, आइए हम अपनी क्लास टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। तो हम आज क्लास में जो समझने जा रहे हैं, जो सीखने जा रहे हैं, वो क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 3 समझेंगे, जो आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, दो पार्ट समझें, थर्ड पार्ट समझेंगे। रेडी हैं तो आइए समझते, मगर फुल्ली कंसंट्रेशन से रहें ताकि हर चीज समझ सके। ठीक है बेटा, एग्री है? तो कंसंट्रेशन समझिएगा, आइए स्टार्ट करते हैं समझते। अब देखिए, यहां पर क्वेश्चन में थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर रहा है, वही वे है, मेथड वही है। तो कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ वाई इन द एक्सपेंशन ऑफ, इस एक्सपेंशन में वाई वेरिएबल का कोफिशिएंट चाहिए। सही, तो प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था, टर्म इन्वॉल्व मींस y पावर 10 या x पावर 10 इन्वॉल्व हो, यहां पर जस्ट y वेरिएबल का कोफिशिएंट चाहिए। सेम वही मींस टर्म कैलकुलेट करेंगे, जिस टर्म में y वेरिएबल मौजूद हो फाइनली उस वेरिएबल का हमने कोफिशिएंट आजाद कर लिया। ओके, आई पास समझ में, आइए स्टार्ट करते हैं समझते। तो सॉल्यूशन क्वेश्चन जो गिवन है, ये y स्क्वायर a पावर 3 डिवाइडेड बाय y होल पावर 5, ये एक्सपेंशन। अब इस एक्सपेंशन में हमें टर्म कैलकुलेट करना है जिसमें कोफिशिएंट y का हो, मींस y वेरिएबल वाला टर्म। तो टर्म फाइंड करने के लिए ये फार्मूला आपके सामने हो, यूज करते आ रहे हैं, इसलिए रेस नहीं की। ठीक है, अब फार्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, गौर से समझें कैसे सॉल्व हो रही है। r फाइंड आउट करेंगे, कॉम्बिनेशन मींस पावर जो है 5 विद r। ठीक है, a मींस एक्सपेंशन में फर्स्ट टर्म y स्क्वायर है, होल पावर n माइनस r मींस 5 माइनस r, n की वैल्यू 5 जो होल पावर है। b मींस एक्सपेंशन में जो सेकंड टर्म है a पावर 3 डिवाइडेड बाय y होल पावर r। क्लियर, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट हुई है। ठीक है बेटा, अब सिंपलीफाई करने जा रहे हैं, तो वो गौर से देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ 5 विद r y पावर 2 पावर पावर से करेंगे मल्टीप्लाई, तो फिलहाल जस्ट कंबाइन करके लिखा। ठीक है, अब वहां पर जो पावर है दोनों टर्म पे सेपरेट करेंगे, a को भी दे दिया एंड y को दे दिया, r पावर है दोनों पे सेपरेट। ठीक है, अब इस सॉल्व क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें टर्म कोफिशिएंट y का चाहिए, तो जो y वेरिएबल इसमें मौजूद है, ऊपर भी मौजूद है, डिनोमिनेटर में मौजूद है, तो हम ये सॉल्व करके y वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, बाद में जाके r फाइंड होगा, वो कैसे सॉल्व कर रहे हैं, 5 विद r y पावर नाउ 2 इज मल्टीप्लाइड विद द ब्रैकेट 5 माइनस r, तो 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 5 इज 10 माइनस अगेन 2 मल्टीप्लाई r के साथ 2r, सही दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म। अब आगे a पावर 3 r सेम है, y डिनोमिनेटर में नीचे है, इसको न्यूमरेटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, वेरिएबल जो है उसके पावर की साइन चाहिए। ठीक है, माइनस r हो गया, क्लियर यहां तक। ठीक है, अब y वेरिएबल है, दो है मल्टीप्लाई आ चुके हैं, तो क्या करेंगे, सेम वेरिएबल है मल्टीप्लाई में टर्म है, बेस वन स्टैंड लिखेंगे। आ रही बात समझ में, y अब देखिए 10 माइनस 2 r एंड माइनस r आ गया इसके साथ, ठीक, इनटू a पावर 3 r, क्लियर यहां तक। सो देखिए कॉम्बिनेशन विद 5 r y पावर 10 माइनस 2 r माइनस r सेम वेरिएबल है, दोनों की साइन भी सेम है, ये 2 यहां पर r मींस ना, तो साइन सेम है मींस क्या करेंगे, दोनों प्लस करेंगे, तो 2 एंड 1 मींस हो गया 3 r साइन जो भी है वही लिखी जाएगी, a पावर 3 r सेम साइन। आई बात यहां तक समझ में, वेरिएबल y सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, सिंपलीफाई हो गया। तो यहां पर इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देकर लॉक कर दिया, क्योंकि अब सॉल्व करेंगे r कैसे फाइंड करेंगे, आइए
समझेंगे वो भी कैसे साल होगा। नाउ वी फाइंड बाय टेक क्या वाई वेरिएबल का पाउंड पावर है 10-3R इक्वल टू टेक आउट कर आप क्या चाहिए कौन सा वेरिएबल चाहिए वाई वेरिएबल का कोफिशिएंट सिंपली वाई वाई की पावर कुछ भी नहीं है पावर कुछ भी नहीं है तो मींस क्या होगा पावर 1 होगा सही ये चीज आपको समझनी है फाइनली आप सिंपली आर की वैल्यू हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं टेन वन साइड में जाएंगे माइनस का हो गया 3R माइनस का उस साइड पे हो जाएगा प्लस 10 में 1 माइनस करना 9 आर के साथ 3 मल्टीप्लाई में साइड पे आ गया डिवाइड में सो आर इज इक्वल टू 3 का टेबल 9 को लग सकता है 3 इज आर 9 सही आर की वैल्यू मिल चुकी अब वैल्यू मिलने के बाद यही आर की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे क्वेश्चन 1 में एंड सिंपलीफाई करेंगे ठीक है सो पुट करें आर इज इक्वल टू 3 एंड इक्वेशन नंबर 1 वी गेट्स इक्वेशन 1 में पुट अप करेंगे ठीक है अब इक्वेशन 1 जो उसको पहले वापस लिखूंगा जो भी है r plus 1 कॉम्बिनेशन ऑफ 5 विद r y पावर 10 minus 3r 10 to a पावर r ठीक है बेटा क्लियर है जस्ट इक्वेशन 1 एज इट लिखी गई है अब इसमें r की जगह पे r की वैल्यू लिखेंगे हम आर की जगह पे आर की वैल्यू 3 प्लस 1 5 आर की वैल्यू 3 10 माइनस 3 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 3 ए पावर 3 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 3 आई बात समझ में सिंपली वैल्यू लिखी गई है आप देखें 3 प्लस 1 मींस होगा 4 5 में 3 की कॉम्बिनेशन को सिंपलीफाई करेंगे 5 माइनस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल y पर 10 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9 इनटू a पावर 9 दिस इज 9 क्लियर जी इसके ठीक है सो टर्म नंबर 4 इज इक्वल टू 5 फैक्टर को 4 इनटू 3 फैक्टर द लॉग कर दिया बिकॉज़ 3 फैक्टर नीचे मौजूद है कैसे हो जाएगा 5 माइनस 3 करेंगे 2 फैक्टर की साइन है मींस ये 2 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल a पावर 9 इनटू y पावर 9 में 10 में 1 माइनस 9 माइनस करेंगे बाकी 1 पावर में तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है सही है सो टर्म नंबर 4 इक्वल टू 3 फैक्टर 3 फैक्टर में कैंसिल हो गया बाकी 5 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मींस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इनटू a पावर 9 y ठीक तो टर्म नंबर 4 इज इक्वल टू 2 का टेबल लग सकता है 2 टाइम 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 a पावर 9 इनटू 1 ओके अब डिसाइड करना है आंसर क्या देना है अब क्वेश्चन जो पूछ रहा है ना y का कोफिशिएंट चाहिए y का कोफिशिएंट चाहिए तो अब y वेरिएबल का कोफिशिएंट जो होता है a पावर 9 है कौन से टर्म में आया के मिला फोर्थ टर्म में सही है तो ये फाइनली लिखेंगे हम हैंस कोफिशिएंट ऑफ y इज y कोफिशिएंट क्या मिला y का जाके कोफिशिएंट मिला 10 a पावर 9 ये है फाइनली आंसर ठीक है बच्चों तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझनी पड़ती है तो वे वो फाइनल आंसर लिखना है जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में जो चीज पूछने जा रहा है वो ही हमें आंसर देना है वो ही आंसर देना है क्लियर है हर चीज समझ में आ रही है फुली कंसंट्रेशन समझे एंड देन प्रैक्टिस में आए प्रैक्टिस जरूर करें ओके तो फाइनली आप लोगों का फर्ज बनता है कि इस यूट्यूब चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें शेयर करें उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर जो वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले आप प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम इजीली समझ सकें सॉल्व कर सकें ओके बच्चों सो अल्लाह हाफिज़